आज हम बनाने वाले हैं सोया चंक्स बिरयानी, जिसके लिए मैंने एक ले लिया है बड़ा सा पतीला, जिसमें एक नींबू काट के ले लिया है, खूब सारे खड़े मसाले ले लिया है, एक टेबलस्पून यहाँ पे नमक ले लिया है, और उसके 10 मिनट के लिए हम उबालने रख देंगे ताकि जो सारा फ्लेवर है वो पानी में आ जाए। उसके बाद एक घंटे पहले मैंने चावल बिरयानी चावल भिगो के रखा था, उसको डाल लिया है। एक टेबलस्पून में यहाँ ऑयल देके इसको हम 70% तक पकने रख देते हैं। ओके, देन हम अब क्या करेंगे, जो ऑयल ले लेंगे फ्राई पैन में थोड़ा सा, और इसमें मैं काजू और आलू, यहाँ पर मैंने आलू जो है पकाते पकाते इधर हमारा चावल बन गया है, तो चावल को पहले मैं स्ट्रेन कर देती हूँ। उसके बाद जो हमने उबाल के आलू रखा था उसको हल्का फ्राई कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ गाजर, उसको भी हल्का फ्राई कर देती हूँ। उसके बाद हम ले लेंगे एक पैन, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिया है। उसको हमें हल्का गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाएगा, उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर। उसके बाद हम ले लेंगे पेस्ट, जिसमें जिंजर गार्लिक जीरा धनिया का पेस्ट है, और इसे अच्छे से हम तेल में भून लेंगे ताकि जो तेल है जैसे जब तक ना छूटे तब तक अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद आधा घंटे पहले मैंने ये सोया चंक्स भिगो के रखा था, उसको हमने इसमें डाल लेना है और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें एक ग्लास पानी में ले रही हूँ, और सोया चंक्स को हम पकने रख देंगे। और अभी मैं ले रही हूँ चिकन मसाले, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आए, तो एक टेबलस्पून मैंने चिकन मसाला और सॉल्ट जो है टेस्ट वाइज मैंने ले लिया है, और इसको हम थोड़ा पकने रख लेते हैं। ये अब पक के तैयार है, तो जो आलू बॉयल आलू जो हमने फ्राई करके रखा था उसको हमने डाल लेना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे दही, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी मैंने जो गैस का फ्लेम है उसे पूरा धीमा कर दिया है। जब आप दही डालें तो गैस का फ्लेम जो है आप धीमा रखें, तो अब इसे धीमी आंच में हम पकने रख लेते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ने लग जाए। तो देखिए कलर कितना खूबसूरत आया। तो जो राइस है जो 70% हमने पकाया था उसको हमने इसमें डाल लेना है। आप याद रखें, जो नींबू वगैरह और जो खड़े मसाले हैं आप अगर निकालना चाहें तो निकाल लें। उसके बाद जो मैंने गाजर और काजू वो सब फ्राई करके रखा था उसको डाल लेना है। हरा धनिया पुदीना डाल लेंगे। उसके बाद मैं एक बड़ा टेबलस्पून में यहाँ पे डाल रही हूँ देसी घी। उसके बाद हमने इसमें डाल लेना है एक टेबलस्पून नींबू का रस। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बिरयानी मसाला, जो बहुत ही ज़रूरी है खुशबू के लिए। तो यहाँ पे हमने बिरयानी मसाला डाल लिया है, और इसको हमने 10 मिनट तक धीमी आंच में दम में रखना है। ओके, तो अभी ये देखिए 10 मिनट हो चुका है। अरे वाह, हमारी बिरयानी देखिए क्या खूब लग रही है। खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आ रहा है, और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है, बड़े ही खिले खिले बने हैं। सो आप इसे ट्राई करें, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। ओके, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।